तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है, कौन बनेगा, कौन से दिन बनाना है। न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूं, ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है। जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे और आपकी पार्टी अगर नंबर्स लेके आती है तो कितनी देर लगेगी टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू स्टेक? मुझे ऐसा कोई डेट है, कोई प्लान है? कोई प्लान भी नहीं, कोई डेट भी नहीं है। यह तय हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, वी आर वेरी श्योर कि हमारी सरकार बनेगी, ये तीन पार्टी एक साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने तय किया है कि रिजल्ट्स के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेगी। जो शिवसेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी हैं, और हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। तो ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है, कौन बनेगा, कौन से दिन बनाना है। अभी तय नहीं हुआ, मैं तो इस प्रोसेस में नहीं हूं। कैसे हो सकता है कि आप प्रोसेस में नहीं है कि मुख्यमंत्री? मेरी पार्टी में रीजनल नेता हूं, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्षों का खेल है। मैं थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं तो रीजनल आदमी हूं, मैं तो यहां लीड कर रहा हूं। तो ये पहले से बना नहीं है फॉर्मेट की कौन बनेंगे? नहीं, वो बना होता तो बता देते, बना ही नहीं है। नहीं, बता देते तो बताते नहीं है ना आपकी पार्टी में? कभी तय होता, अगर तय करते। देखिए, स्ट्रैटेजी दोनों प्रकार की होती है, कभी तय करके जाते हैं, कभी बिना तय किए। क्या उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है? देखिए, निश्चित ही बंद हो गया है और जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ऐसा है, मैं आजकल बहुत संभल की बात करता हूं, क्योंकि 2019 के चुनाव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सब कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, अभी ये तीन पार्टियां इस तरफ है, ये तीन पार्टी इस तरफ है, जब रिजल्ट्स निकलेंगे इस तरफ उस तरफ हो सकते हैं सब। ये महाराष्ट्र की खासियत है। हाँ जरूर, ये पिछले 5 सालों में हुआ है और इसलिए उसी के मद्देनजर लोग कहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आकलन है कि लोग इस बार डिसाइसिव मैंडेट देंगे महायुति के लिए। और आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन बनेंगे? मुझे ऑथराइजेशन ही नहीं है ना, आई एम नॉट ऑथराइज टू से। क्योंकि विनोद तावड़े जी ने कहा है कि हो सकता है कि कोई अननोन चेहरा आ सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय नेता है, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के गलियारों की चीजें उनको मालूम होती है। मैं तो महाराष्ट्र का नेता हूं, मैं छोटा जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के यहां जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, नए चेहरे लेके आए, ला सकती है, लाए। अगर वो ले आएंगे तो फिर क्या आप बीजेपी के प्रेसिडेंट बनेंगे फिर? क्योंकि आपको कहीं तो फिट करना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहली चीज तो यह है कि न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूं, ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है, पार्टी जहां फिट कर दे ये नट फिट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।